when the rain is pouring. You're the one I'm calling. You're my escape from my darkest days. And when the sun is shining, you know we out here riding, chasing the horizon with you. Following our Sandakpu Phalut diaries closely, then you must have seen that in last 2 days we have trekked around 30 kilometers almost. And aaj hum log jaane wale hai towards Bhareng and wahan se Peling. But good part is everyone is both physically and mentally sound and fit. And right now we are having our breakfast. So look what we have got in our breakfast. Aloo dum and puri with achar and pyaaj. Give me 2 only. 2. That will be more than enough. Ye lo. Sabji kha lo. So, I got my breakfast. And I'll be enjoying this breakfast in the midst of this beautiful view. Oh. Yehi to chahiye. Aur kya? Compared to our last 2 days stay at Sandakpu and Phalut, this is the best breakfast that we have got in last 3 days at Godkhe. So I am here with Bhushan ji, जो होमस्टे है इसको ऑपरेट करते हैं. तो भूषण जी फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते. हाँ नमस्ते. और मैं ये जो होमस्टे है वो रन करता हूँ. मेरा होमस्टे का नाम है लालीगुरास होमस्टे गोरखे. Okay. जी जैसे कि अक्टूबर नवंबर पीक सीजन रहता है उस टाइम टैरिफ 1200 पर हेड पर डे करके होता है. उसमें इंक्लूडेड है लंच टी स्नैक्स नॉन वेज वन टाइम रात में डिनर में और फिर मॉर्निंग टी ब्रेकफास्ट. वो 1200 में इंक्लूडेड इंक्लूडेड. अगर बड़ा ग्रुप आ रहा है तो यू विल प्रोवाइड डिस्काउंट. यस यस डेफिनेटली. हम लोग को ये गोरखे में जो होमस्टे है ये बहुत पसंद आया क्योंकि यहाँ से रिवर का आप सामने देख सकते हो पूरा रिवर का व्यू अवेलेबल है. और हम लोग यहाँ बैठ के ब्रेकफास्ट भी किया तो दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल. यहाँ पे अभी कितना रूम्स अवेलेबल है. जी मेरा होमस्टे में टोटल 5 रूम्स है. 4 अटैच रूम एंड 1 डोमिटरी. होमस्टे का नाम है लालीगुरास लालीगुरास होमस्टे गोरखे. और आई विल प्रोवाइड दैट कॉन्टैक्ट नंबर ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. लेट मी शो यू अनदर रूम व्यू ऑल्सो. दिस इज द रूम व्यू. ये डोमिटरी रूम है. दिस इज डोमिटरी रूम 1, 2, 3, 4 बेड्स. बट बड़ा वाला डोमिटरी है 6 बेड और 7 बेड वाला ऐसा कुछ. ये इसमें 8 टू 10 लोग माने एडजस्ट करने से हो जाता है. करेक्ट जी जी. नीचे का अच्छा होता है. एटलीस्ट बाथरूम इज वेरी गुड. Well maintained, I must say. Thank you. Thank you for the information. Yeah. Chal. So time to leave for Bhareng. Bhareng से थोड़ा पहले हम लोगों को गाड़ी पिक करने वाले हैं. जगह का नाम है पथाड़े. तो पहुंचने में अभी तो 2 घंटा लगेगा. I don't know that it will be downhill or uphill, but yeah, we are literally pumped up. मुझे मने हाथ नहीं है. चल चल चल. On the way to Pathade, which comes before Bhareng, 3 kilometer ka distance hai, we got another this crossing. But this was strongly built, I must say. जो पहले का जो ब्रिज था उससे ये स्ट्रॉन्गली बिल्ट है. से हाय से हाय. सो वी गॉट ए ट्रिकी टेरेन इन द मिडल एंड हम लोग को ये सावधानी से क्रॉस करना पड़ेगा.
तो चलो हौसला रखो और चलो, लेट्स गो मोटू जी, यू कैन डू इट। फॉर दिस काइंड ऑफ रूट यू नीड टू हैव ए प्रॉपर ट्रैक पोल लाइक दिस, दैट्स व्हाई इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड टू हैव ए ट्रैक पोल। हियर कम्स अनदर चैलेंजिंग पॉइंट वेयर यू नीड टू क्रॉस दिस वुडन लॉग। इधर खाई है, आइदर यू कैन टेक दिस रूट और दिस वन। लुक्स टफ बट इतना भी टफ नहीं है। हाँ तो सुंदर लवली। यू कैन स्पॉट द डिफरेंस ऑन द सेम रूट। इधर सनलाइट है और थोड़ा आगे जाके एकदम शैडो एरिया, और वहां पे खड़े होने में थोड़ा ठंड भी लग रहा है। पीछे से और भी ट्रेकर्स आ रहे हैं। हेलो 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 हेलो। वी जस्ट केम अक्रॉस थ्री पीपल फ्रॉम सीमा सुरक्षा बल, दे वर डूइंग ट्रेकिंग अलोंग विद अस, बट वी आर क्वाइट सरप्राइज टू सी वो लोग साथ में पानी भी नहीं कैरी कर रहे। बोल रहे हैं हम लोग का तो आदत बन गया है, आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है, हम लोगों को नहीं होता है। सो वी आर जस्ट रनिंग आउट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड वी फाउंड वन सोल्यूशन, हैप्पीनेस, प्योर हैप्पीनेस। वाटर टेस्ट इज गुड, इट्स स्वीटर देन रसगुल्ला। ओह माय गॉड। सो वी आर जस्ट फोर पीपल लेफ्ट आउट एंड ऑल नाइन पीपल आर अहेड ऑफ अस। अभी जस्ट आधे घंटे का ही ट्रेल बाकी है। We are all bit tired, but yeah, we can do it. We are happy. Okay? Yes, chow. Okay. Chalo. Minutes before, these guys were complaining about the trek route. Now they were clicking photos with hashtag couple goals, squad goals, lovebirds. Almost 33 kilometer cover kar chuke hai, and before ending our trek, we got a small वाटर क्रॉसिंग ऑन माई बैक साइड। यहाँ पे दो तीन शॉर्ट्स रील्स वगैरह हम लोग बनाए, उसके बाद हम लोग ऊपर जाएंगे एट पथाड़े पॉइंट, जहाँ पे हम लोगों के लिए गाड़ी वेट कर रहा है, व्हिच विल ड्रॉप अस टिल पेलिंग। हेल ऑफ एन एक्सपीरियंस विद दिस एंटायर 13 पीपल। आफ्टर दिस हेक्टिक ट्रेक सच रिफ्रेशमेंट इज नीडेड। चीयर्स टू ऑल। ऑल थैंक्स टू दिस पर्सन, दे मेड इट लुक इजी। प्रिलिमिनरी इट वाज डिफिकल्ट बट लास्ट में सब कुछ ठीक हो गया। बिग हाई फाइव। This is our next day here at Pelling, and this is the next morning and probably the last day of our entire trip. Slightly dejected, but at the same time we will be moving towards Pelling Skywalk. This is the last attraction point for the day, and uske baad hum log seedha jayenge towards Siliguri. But before that, let me have my breakfast with this beautiful view on the backdrop. Let me show you the place where we lived yesterday. This is a small Instagrammable kind of homestay, you can say, here at Lower Pelling. Naam hai Mochi Ledo Hostelo, specially designed for the backpackers and the solo travelers. Yahan pe dorm se start karke single room, double room sab available hai. This is the entire design of the place. Garden bhi hai chota mota, aur uske saath idhar ek dorm hai, उधर एक और रूम है, एंड दैट साइड हम लोगों का रूम था। काफ़ी क्यूट सा इसका पूरा इंटीरियर जो भी है बहुत सही है। हम लोग जब इसको बुक किया तब रेटिंग और रिव्यू देख के ही बुक किया, एंड आई मस्ट से खाना वाज टू गुड, द डिनर एंड द ब्रेकफास्ट। सो बिफोर रैपिंग इट अप, आप देख लो कल मैंने रूम व्यू का भी दो तीन वीडियो उठाया, वो भी देख लो। हियर एट लोअर पेलिंग वी आर एट द होटल मोची लेरो ऑस्ट्रेलो, एंड दिस इज द रूम व्यू फॉर फाइव पीपल, काइंड ऑफ मिनी डॉर्म। रूम का व्यू बहुत सही है। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 एंड 5
पांच बेड है एंड दैट इज द वॉशरूम. दिस इज द साइड वॉशरूम दैट वी गॉट. सारे इंतजाम है. लुक्स क्वाइट स्पेसियस. ये होटल की खासियत ये है, थोड़ा आउटस्कर्ट्स है बट बहुत सही रहता है फॉर सोलो ट्रेकर्स एंड बैचलर पीपल इफ दे वांट टू स्पेंड सम टाइम एट द ऑर्बिट प्लेस. एंड यहाँ एक बैठने का भी जगह है. दिस इज अनदर रूम व्यू फॉर फोर पीपल. दे गेव अस बंकर बेड 1, 2, 3, 4 एंड काफी स्पेसियस रूम है. नीट एंड क्लीन, वेल मेंटेन्ड. हेलो, दिस इज द थर्ड रूम दैट वी गॉट. टू बेड्स एंड वन बंकर. हेलो 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 गाइज, यू गाइज आर टायर्ड? यस, यू नीड प्रॉपर रेस्ट. Having our breakfast. Give a shot. How was the breakfast? Too good. Too good. With this view. With this view in the backdrop. For shady for. Samjhe zamana ki dil hai khilona jana hai ab ya ho dil ka laga. We are here at the topmost attraction of Pelling, that is the skywalk or the glasswalk of Pelling. On the right hand side you will get to see the Maitreya Buddha statue and the glasswalk, and on the left hand side you can see the oldest monastery of Sikkim. Its name is Sang Nang Choling Monastery. This Sang Nang Choling Monastery founded in 1642 AD by Lama Latsun Chenpo Namkha Jigme. And if you want to visit the monastery, this is the way. But हम लोग अभी मॉनेस्ट्री की तरफ नहीं जा रहे. We are going to the iconic skywalk and the Buddha statue. सिक्किम तो पहले बहुत बार आ चुके हैं but this is the first time that we'll be visiting this Pelling skywalk. बहुत excited हो. देखते हैं अंदर जाके क्या है. So this is the ticket arena. Ticket price is 100 rupees as it is written. ये काउंटर ओपन होने का टाइम है मॉर्निंग 8 AM to 4:30 PM is the timing. And this is the entry point. जहाँ पे आप लोग को टिकट शो करके अंदर जाना पड़ेगा. And this is the famous glasswalk of Pelling. अच्छा ये पूरा ऐसा गोल गोल करके घूमेगा ना. हम लोग सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर आए एंड प्लान है वहाँ तक टिल दैट मैत्रेया बुद्धा स्टैचू तक हम लोग को जाना है. अभी ये तो गोल गोल करके घुमा रहे हैं हम लोगों को. जाने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा, ये जो पेलिंग का ग्लासवॉक है, दिस इज इंडियाज फर्स्ट स्काईवॉक और ग्लासवॉक इक्वेंस से. इसका हाइट जमीन से ऑलमोस्ट 100 feet है. बट सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे जूता उतर के जाना पड़ेगा. जूता पहन के यू आर नॉट अलाउड टू वॉक ऑन द ग्लासवॉक. तो हम लोगों को यहाँ पे जूता छोड़ के जाना पड़ेगा. जब भी हम लोग ऐसा मॉनेस्ट्री में हम लोग विजिट करते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ करते हैं दैट इज मूविंग दिस प्रेयर व्हील्स. बहुत सही लगता है. दिस इज द एंट्री पॉइंट ऑफ द पेलिंग ग्लासवॉक. यहाँ पे लिखा है यू नीड टू रिमूव योर शूज एंड कीप अ सेफ डिस्टेंस. वाओ, पेलिंग स्काईवॉक से आप लोगों को कंचनजंगा का एक अच्छा वाला व्यू मिलेगा ऑन द बैक साइड. राइट नाउ इट्स क्लाउडी एंड उधर थोड़ा क्लाउड पोजिशन की वजह से पीक्स आर नॉट थॉरली विजिबल. बट हम लोग संदकफू फालूट होके आ रहे हैं तो वहाँ से जो क्लियर पिक्चर मिला उसके सामने तो ये तो कुछ भी नहीं है. ये गोल गोल घूम के पूरा जगह आपको ऊपर बुद्ध स्टैचू की तरफ लेके जाएगा. देख के तो नहीं लग रहा है कि 100 feet ऊंचाई पे है बट बाहर लिखा था तो मैंने वो ही आप लोगों को बोला. ये जो ग्लास वॉक है दिस इज मेड अप ऑफ लाइक 4 feet थिक टेम्पर्ड ग्लास. सो उसके वजह से देर आर 0 chances ऑफ कैजुअलिटीज. दिस इज इंडियाज फर्स्ट स्काई वॉक. उसके बाद तो इंडिया में बहुत 2-3 जगह पे और जगह पे ग्लास वॉक बना है बट इंडिया में सबसे पहले यहाँ पे ग्लास वॉक बना है.
ये जो टेम्पर्ड ग्लास है दिस इज लाइक 4 feet थिक. Yeah, it seems like a military grade glass. Okay, it's quite thick. Otherwise, they would not have built a plates like this. Okay, and like it's one of a kind plates. But that's why you need to remove your shoes. Yeah, exactly. So that the glass doesn't get hampered and all. Yeah. और ये पूरा ग्लास वर्क के दोनों तरफ लाइट्स लगा हुआ है जो कि इवनिंग टाइम पे विल डेफिनेटली लाइक विल गेट स्विच्ड ऑन. आप जितना जल्दी हो सके यहाँ पे आओ बिकॉज मॉर्निंग 8:30 AM पे खुलता है, तो जितना आप टाइम वेस्ट करोगे यहाँ आने में तो उतना ज़्यादा भीड़ हो जाएगा. राइट नाउ इट्स अराउंड 10:30, भीड़ थोड़ा बहुत कम है. इट्स अक्टूबर एंड एंड पीक सीजन टाइम. Honestly speaking, if you ask my suggestion or recommendation, Pelling का जो skywalk है, मतलब जितना मैंने सुना था ठीक ठाक है, मतलब इतना भी overhyped नहीं है जैसा कि इसको portray किया जाता है on YouTube videos and other articles. But yeah, one time visit, it's good. Kanchenjunga का view भी मिलेगा और इधर मैत्रेय बुद्ध का statue के पास भी हम आप लोग जा सकते हो. तो अभी हम लोग वहीं पर जा रहे हैं. बहुत सारा सीढ़ियाँ है बट आफ्टर डूइंग 33 किलोमीटर ऑफ ब्रिगोरस ट्रेकिंग इसके सामने ये तो कुछ भी नहीं है. यू हैव एनी आइडिया हाउ मेनी स्टेयर्स आर हियर? एटलीस्ट 300. या मिनिमम? या 300. इट वॉज रिटन देयर, आई डिडंट फॉलो दैट. सो वी केम टू द मेन पार्ट ऑफ द एंटायर ग्लास वर्क, दैट इज द टेम्पल एरिना. एंड इनसाइड फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. बाहर तक अब जितना हो सके फोटो वीडियो उठा लो. दिस ईयर मीन्स इन 2023 वी विजिटेड लद्दाख एंड वहाँ पे हम लोग गए थे डिस्किट मोनेस्ट्री. वहाँ पे जो बुद्ध का स्टैचू था एग्जैक्ट सिमिलर ऐसा ही था एंड इट वाज लाइक 108 feet स्टैचू. इसका एग्जैक्ट हाइट मेरे को पता नहीं बट मैं मालूम करके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जरूर मेंशन करूंगा. एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द बोंगो एफेयरर. ये जो बुद्ध स्टैचू है इसका लोकल नाम है चा आ गी. एग्जैक्ट मीनिंग तो मेरे को पता नहीं बट मैंने भी लाइक बाहर साइन बोर्ड लिखा था वहाँ से पढ़ के आप लोगों को बोल रहा हूँ. अब जब विंटर पे आओगे दोस पीक्स विल बी कम्प्लीटली स्नो कवर्ड, इट विल बी कम्प्लीट वाइट. एंड इफ यू वॉन्ट टू डू मेडिटेशन दिस इज द वे इन साइड. यू कैन गो एंड मेडिटेट फॉर आवर्स. कोई टाइम लिमिट कुछ नहीं है. So done here at Pelling Skywalk and this Buddha statue. Experience was good. I will not say very good, but yeah, one time watchable, that's fine. Skywalk ka length bahut hi chota laga. Thoda bada hota explore karne mein to aur zyada acha lagta. And regarding Buddha, like you can find Buddha statue in almost most of the temples or which are there in the mountainous regions. Like I mentioned, this year we went to Ladakh and there we visited lots of such kind of statues and monasteries. So it is not new to us, but yeah, Skywalker experience one time was good. So with that said, aaj ke liye vlog ko yahi pe khatam karta hu. I hope you guys have really enjoyed this entire Sandakfu Falut Diaries along with the Pelling Skywalk series. And if you are new to the channel, then do subscribe my channel, The Bong Wayfarer. If you have any queries, feel free to DM me on Instagram as IamRoy92. Let's meet with another episode. Till then, goodbye, take care. See you soon. Bye-bye.
fool, I don't even care. I want you to listen to what I say. I love you, but it's so cold.